नमस्कार दोस्तों, जय हनुमान टेंट हाउस डेकोरेशन में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट जितेंद्र कुमार। आज आपके सामने लेके आ गई एक अमेजिंग टेंट डेकोरेशन का वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा मनमोहक नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये कितने का कारोबार हमने किया था, कितना वर्कर लगा था, कितना टाइम लगा था, सारा इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। कुछ काउंटर व्यू के थ्रू आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये ओपन एरिया, और ओपन एरिया के अंदर ये काउंटर व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रे यानी नीचे जो बिछावट की गई वो घास है, यानी आर्टिफिशियल घास जिसे हम बोलते हैं, और उसके ऊपर ये वगैरह जो भी आर्टिफिशियल यहाँ पे पक्षी वगैरह लगाए गए इसके ऊपर, ये डोंगा सेट है जिसे हम बोलते हैं। ये अभी शाम का 6 बजे का टाइम है, तो अभी सारी व्यवस्था हमने पूरी कर दी है। अभी खाना स्टार्ट होगा 8 बजे के करीब। ये राजपूती घराने का शादी ब्याह है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि इसके अंदर जो व्यवस्था होती है वो काफ़ी ज़्यादा रॉयल लुक में होती है। तो ये कामकाज किया था हमने, ये टोटल कामकाज हुआ था कम से कम 7 लाख के करीब है, और कम से कम 13 वर्कर इसमें लगे थे, 2 लाइट वाले भी थे। तो ये पूरा कामकाज होने में कम से कम 6 या 7 दिन का समय लग गया था। ये पहले वाला ओपन एरिया था। अभी यहाँ पे जो गजीफा का ये देख सकते हैं कि व्यू, ये गजीफा का व्यू है। यहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं। ये इस स्पेस के अंदर यहाँ पे गोल टेबल, और गोल टेबल के ऊपर यहाँ पे राजपूती होने के कारण ये सब मतलब दारू व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। तो अच्छा सा यहाँ पे सुनहरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको कपड़े का देखने का मिल रहा है, कि यहाँ पे एक फर वाला सीलिंग है और बीच में छतरी वगैरह लगाई गई है, और साथ में गजीफा के अंदर कलर कॉम्बिनेशन है पिंक, सॉरी यहाँ पे रेड, येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन हमने लिया है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस वीडियो के अंदर आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख के चले जाते हो ये चीज़ गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया मैंने। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो कि जो बिछावत की गई है वो लाल कलर की हमने बिछावत ली है। ये दूसरा एंट्री गेट यहाँ पे एंड हो चुका है, और तीसरे एंट्री लेवल पे हम एंटर करने जा रहे हैं। ये तीसरा जो एरिया है वो लेडीज़ के लिए रखा गया है, तो यहाँ पे लेडीज़ वगैरह बैठेंगे, उनके खाने की व्यवस्था के लिए तीसरा काउंटर यहाँ पे सेट कर दिया गया है। ये छोटा सा स्पेस है, ज़्यादा स्पेस नहीं है। ये 30x30 के एरिया के अंदर ये वाला सेट किया गया था। तो देख सकते हो कि तीन यहाँ पे एरिया, यानी तीन, दो तो पैक हाउस और एक ओपन हाउस हमने किया था। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के हम कार्यक्रम करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो और कुछ भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो ये देख सकते हैं कि जो ओपन एरिया के अंदर ये फवारे का यहाँ पे सुंदर सा व्यू दिख रहा है, कि ये फवारा हमने इम्पोर्ट किया था जोधपुर से, जो अभी हमने सीधा यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर ये साइड में जो पेड़ वगैरह लगाया गया, एक अच्छा सा लुक देने के लिए इसमें और एडिशनल हम करने जा रहे हैं, जैसे फ्लावर वगैरह साथ में ले लिया। तो फ्रेंड्स, इस स्टेप से देख सकते हो कि बहुत ही लाजवाब यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको मैं पूरा दिखाएगा कि हमने कैसा कार्यक्रम किया था। बहुत ही लोगों को पसंद आया था। इसके लिए एवज के अंदर जो पार्टी थी, हमको बहुत सारे उपहार भी दिए और एक्स्ट्रा मनी भी दिया, कि बहुत हमको ये अच्छा लगा था। तो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हो और टाइप इस टाइप की वीडियो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।